भगवान श्री कृष्ण छठी महोत्सव के अवसर पर व्यापारियों ने बांटा कड़ी चावल का प्रसाद। श्री कृष्ण छठी महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के थोक बाजार कटरनाज में व्यापारियों द्वारा कड़ी चावल के प्रसाद का वितरण किया गया। व्यापारी दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने श्री कृष्ण छठी महोत्सव के उपलक्ष्य में कड़ी चावल के प्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए व्यापारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के छठी महोत्सव के उपलक्ष्य में कड़ी चावल के प्रसाद का वितरण व्यापारियों द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आगे उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़े। जी दीपक जी, क्या कार्यक्रम था आज ये कटरनाज में व्यापारियों की ओर से? आज भगवान श्री कृष्ण जी का छठी के महोत्सव था, इस रूप में व्यापारियों ने वहाँ के मिलके, जिसमें श्री नीलकांत अग्रवाल जी जिनका बीपी माइंड है, बरबर में पुलकित अग्रवाल, अर्जित अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल वगैरह ने मिलकर वहाँ पर कड़ी चावल का वितरण किया, जिसे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन के रूप में प्रसाद को ग्रहण किया। और मेरा कहना यह है कि आज हमारे जो विश्व है पूरा, माँ सैकड़ों देश ऐसे हैं जहाँ रोटियों के भी मोहताज हैं। एक हमारा खुश नसीब है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ जगह जगह भंडारे, लंगर और इस तरह के धार्मिक प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है और आज हमारा देश कितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, ये हमारे बहुत गर्व की बात है। मेरा समाज से निवेदन है कि ऐसे धार्मिक प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे कि जागरूकता बढ़ती रहे और धार्मिकता भी बढ़ती रहे। अच्छा, ये जो कड़ी चावल वितरण का ये कार्यक्रम था, ये तो कोई किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की तरफ से था या व्यापारियों ने मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या था ये? भागे चार पांच व्यापारियों का मिलकर उसका आयोजन था। तो कौन कौन व्यापारी से थोड़ा सा नाम बताएंगे? एक श्री नीलकांत अग्रवाल, एक पुलकित अग्रवाल, एक अंचित अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, मैं स्वयं दीपक अग्रवाल और स्वयं अग्रवाल। अच्छा, इस तरह का ये जो कड़ी वितरण का प्रसाद है, बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की छठी के उत्सव के रूप में ये प्रसाद का वितरण किया जाता है, तो क्या व्यापारी हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं? हाँ, यहाँ पर ये काम ये 15-20 साल से पिछले लगातार हो रहा है। किस दिन? क्या नाम है आपका? नीलकांत अग्रवाल। आज क्या प्रोग्राम हो गया? भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद छठी महोत्सव पे कटरा नाज में व्यापारियों को हमारी दुकान पर कड़ी चावल का वितरण किया जा रहा है। बहुत सहयोग रहा, बड़े प्रेम से लोगों ने प्रसाद लिया, काफ़ी बहुत लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी का सहयोग रहा, हम सबके आभारी हैं। आगे हमारी कामना ऐसे हम आयोजन करते रहे, ईश्वर की प्रेरणा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।